खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार का तोता मार दिया है। जी हां, जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय जिस हथियार के जरिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी, वही हथियार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसकी चर्चा करना जरूरी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये फैसला ये कहता है कि आगे से ईडी की हिरासत में कोई भी आरोपी जो भी गवाह देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, किसी भी गवाह को बरगलाओ, दबाव बनाओ, वो गवाह जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बयानात देते थे और उन बयानात के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, यानी कि गवाहों ने जो बयान दिए, आरोपियों ने जो बयान दिए, उनके आधार पर इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नथिंग डूइंग, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंतर्गत जिसे भी गिरफ्तार किया जाता था, वो व्यक्ति जो भी गवाही देता था उसी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आज मैं आपके सामने कुछ पात्र रखना चाहता हूं आपकी स्क्रीन्स पर। ये हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता माघुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी। राघव रेड्डी को 11 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया जाता है और फिर ये गवाहियां देते हैं। उनकी गवाहियों का ये नतीजा होता है दोस्तों कि उसी के परिणाम स्वरूप के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दिलचस्प बात ये, जिस व्यक्ति यानी राघव रेड्डी को आरोपी बनाया था उसको रिहा कर दिया जाता है। वो आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। आरोपियों की लिस्ट में कौन है, अरविंद केजरीवाल और के कविता। राघव रेड्डी जांच से पहले ही दोष मुक्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा था कि किस तरह से एक व्यक्ति गवाही देता है, वो खुद बच जाता है और उसके बाद किसे जेल में डाल दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल या के कविता। और इसकी पोल खोल अरविंद केजरीवाल ने अदालत में की थी, मगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने आपके स्क्रीन पर, केजरीवाल ने एक अदालत में कहा था कि माघुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था जब उनके बेटे को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने अपना बयान बदला 16 जुलाई 2023 को और 18 जुलाई को उनके बेटे राघव रेड्डी को रिहा कर दिया जाता है। मगर बात वहां नहीं रुकती। आंध्र प्रदेश ओंगोले एमपी माघुंटा रेड्डी रिजाइन्स फ्रॉम वाईएसआर कांग्रेस। और इस तारीख को देखिए, 28 फरवरी 2024। यानी कि होता क्या है, बेटे को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये दबाव लगातार माघुंटा रेड्डी पर था। और उसके बाद वो माघुंटा रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस में थे, वो फरवरी 2024 में वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और किसमें शामिल हो जाते हैं, टीडीपी में। और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो कि सहयोगी है बीजेपी की, वहां से उन्हें टिकट मिल जाता है। तो इस पूरे खेले को समझिए दोस्तों, राघव रेड्डी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी गवाही के बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता जेल जाती हैं, बल्कि राघव रेड्डी को इसलिए भी गिरफ्तार किया जाता है ताकि माघुंटा रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दे और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाएं। और आप जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। और यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भाजपा ने राज्यसभा में तोड़ दिया था अपने पिछले कार्यकाल में। मगर बावजूद इसके चंद्रबाबू नायडू भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ ऐसे राज हैं जो भाजपा के पास हैं, जिसके चलते वो भाजपा खेमे में शामिल हो गए। यानी कि सारा खेल ब्लैकमेल का दिखाई देता है दोस्तों। दबाव बनाओ, डराओ, क्योंकि प्रक्रिया ही सजा है। आप देख सकते हैं, लोग कई सालों से जेल में, उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं होती है मगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक चवन्नी मेरे घर से नहीं निकली, एक पैसा नहीं, फिर भी गिरफ्तारी। क्योंकि जैसा कि आतिशी कह रही थी, कई जगहों पर ऐसे वीडियोस आते हैं जब लोगों के घर में ढेरों पैसा मिलता है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वो नेता जिसके घर से करोड़ों का कैश मिला था। इस तरह की कोई भी तस्वीर आम आदमी पार्टी के किसी नेता के घर से सामने उभर कर नहीं आती। मगर सिर्फ इसलिए कि राघव रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी तो शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है ना। और सबसे बड़ी बात, राघव रेड्डी जो इस मामले में आरोपी था उसे रिहा कर दिया जाता है, वो अब आरोपियों में शामिल नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किस आधार पर आरोपी को रिहा कर देते हैं, आप किस आधार पर एक आरोपी को गवाह बना देते हैं और किस आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं।
भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी मनमाने अंदाज में लोगों को गिरफ्तार करती है, ब्लैकमेल करती है और उनकी गवाहियों के आधार पर लोगों को जेल में डाल देती है।